Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog. So, कैसे आप सभी? I hope आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. So guys, जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल यहाँ पे सेफ सीजन स्टार्ट हो चुका है. हर कहीं देखोगे तो आप लोगों को हिमाचल में कहीं भी जहाँ पे एप्पल वगैरह होते हैं वहाँ पे सेफ सीजन शुरू हो चुका है. लोग सेब तोड़ रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं. मतलब कि अब कुछ महीने तक ये ऐसे काम चलेगा. तो फिर मैं आज भी सेब तोड़ने जा रही हूँ. इधर ही है जहाँ पे हम रहते हैं, उधर ही बस से तोड़ने के लिए जाना है. तो इसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस अब लोग आते ही होंगे, फिर हम काम स्टार्ट करेंगे. कहाँ जा रहे? यूट्यूब न जा रहे. यूट्यूब न जा रहे. सो गाइज, अब हम लोग यहाँ पे बगीचे में से तोड़ने के लिए आ चुके हैं. देखो थोड़े से तोड़ भी दिए लोगों ने. ए मम्मा, ऐसे तोड़े जाएंगे. विद डंडी. क्या लगा? और ये देखो आप लोग, ये मेरी सुपर मॉम, आपको पता ही है ये कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है मेरी मम्मा. ये आप लोग देख सकते हैं, देखो कितना ऊपर चढ़ है ये मम्मी. और साथ में ये अंकल थे, देखो अगर नीचे गिर गए ना यहाँ से तो फिर कितनी ज़्यादा चोट लगेगी. इतना ज़्यादा खतरा होता है जो सेब तोड़ते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है. ढंग से तोड़ना पड़ता, बहुत केयर, ज़्यादा केयरफुली. और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कितना बड़ा पेड़ है, ये कोई 70-80 साल पुराना पेड़ है. आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये सूखा और जैसे सूख भी रहा है और इसमें ऊपर चढ़ के सेब तोड़ना बहुत ज़्यादा खतरे का काम है. और ये एप्पल कैसे किल्टे में डाले हुए, आप लोगों को पता ही, इसको क्या कहते हैं, किल्टा बोलते हैं इसको हिमाचल में. हाँ, शिमला की साइड तो किल्टा ही बोलते हैं, पता नहीं और जगह क्या बोलते हैं. अरे अंकल, रास्ता कितना ज़्यादा गंदा है, फिर भी ले जाना पड़ रहा है, रास्ता ही नहीं है. ठीक, कहाँ गए तो मम्मी? पहुँचे नहीं. चलो अब सब घर जा रहे हैं. शाम के 6 बज चुके और इन लोगों को घर बहुत ही ज़्यादा दूर है, इस टाइम से जाना पड़ता है. वैसे आज वैसे तो ही लेट हो गए हैं क्योंकि थोड़ी बारिश भी हुई और थोड़ा फाइनल करना था ना काम, इसलिए. सो गाइज, अब घर चलो, घर चलते हैं. Thank you.
Yeah.